भाइयों और बहनों, वोट के लिए, राजनीतिक हित के लिए मुद्दों को, मुश्किलों को बनाए रखने और उनको टालते रहने का एक बड़ा नुकसान असम और नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, देश को हुआ है। साथियों, रोड़े अटकाने की, रुकावट डालने की, असुविधा पैदा करने की इस राजनीति के माध्यम से देश के विरुद्ध काम करने वाली एक मानसिकता पैदा की जा रही है। जो विचार, जो प्रवृत्ति, जो राजनीति ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित करती है, ऐसे लोग ना तो भारत को जानते हैं और न ही असम को समझते हैं। असम का भारत से जुड़ाव दिल से है, आत्मा से है। असम श्रीमंत शंकर देव जी के संस्कारों को जीता है। श्रीमंत शंकर देव जी कहते हैं, कोटि कोटि जन्मांतरे जाहार, कोटि कोटि जन्मांतरे जाहार, आसे महापुण्य राशि सीसी कदाचित मनुष्य होवै, भारत भरी से आसी, भारत भरी से आसी। आणि जिस व्यक्ति ने अनेक जन्मों से निरंतर पुण्य कमाया है, वही व्यक्ति इस भारत देश में जन्म लेता है। ये भावना असम के कोने कोने में, असम के कण कण में, असम के जन जन में, इसी भावना के चलते भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर भारत के नवनिर्माण में असम ने अपना खून और पसीना बहाया है। ये भूमि आजादी के लिए त्याग तपस्या करने वालों की भूमि है। मैं आज असम के हर साथी को यह आश्वस्त करने आया हूं कि असम विरोधी, देश विरोधी हर मानसिकता को, इसके समर्थकों को देश न बर्दाश्त करेगा, न कभी देश माफ करेगा। साथियों, यही ताकतें हैं जो पूरी ताकत से असम और नॉर्थ ईस्ट में भी अफवाहें फैला रही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA से यहां बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर से लोग आकर बस जाएंगे। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा।